Thank you. Thank you so much. Wow. Last but not the least, Rajni or Ashok Ji. Rajni, Chicago mein psychiatrist hai. Oh my God. Okay. Ashok Ji, I will get in touch with him. And Ashok Ji, physicist hai aur actuarial expert hai, which I don't know what it is. Rajni jo hai, Satyan ke best friend ki choti behen hai aur is nate Ashok Ji unke kumar saab hue. Welcome to sunny San Diego, both of you. Satyan kehte hai ki hum sambar walon ki tarah Rajni ko bhi kavita ka bug hai. So, let's hear both of them. Hello. They are coming. Excellent. Go, Sambar. Thank you very much. We are really very happy to be here for this celebration. Bhai Sahab, thank you. Congratulations. Lala Bhai Sahab, thank you very much. That's very much Sambar-like. So, well, आप लोगों के इतना talent है यहाँ पर और जिस तरन्नुम से उन्होंने गाया उसकी आवाज़ अभी तक गूंज रही है. तो मैं जो पढ़ने वाली हूँ, भाई साहब ने जो कविताएँ दी हैं वो थोड़ी फीकी फीकी लगेंगी, but bear with us. So, they will mean a lot to us. उसमें सांभर की खुशबू होगी. So yeah. बिल्कुल सांभर की. अरे please. सांभर की खुशबू भी है और सांभर के खारे पानी की नमकीन स्वाद भी है. Excellent. तो मेरी मुझे जो कविता दी गई है उसका पेज नंबर है 122 और उसका टाइटल है मेरा एक सुंदर सपना. तो इसमें ऐसा ने जो लिखा है मेरा एक सुंदर सपना. ऐसा लगता है कि सपनों के एहसास में भी एक बेबसी सी है, कसक कसक महसूस होती है. तो देखिए, ये मुझे ही महसूस हुआ है, ये आप लोगों को भी. रजत चंद्रिका की चांदनी में बादल के किनारे कुछ तरती सी, कुछ धीरे बहती सी, कुछ सहमी चलती थी, कुछ डरती सी सहमी सी. हाय उसे मैं कुछ कह न सका क्योंकि यह तो बस सपना था. मेरा एक सुंदर सपना. Very nice. एक और जो दी है भाई साहब ने मुझे, उसका भी टाइटल काफ़ी टची है, जीवन के ये दो पल मेरे. पेज नंबर है 117. तो इस कविता को आई थिंक एवरीबडी कैन रिलेट टू इट, क्योंकि इसमें सुंदर पलों का वर्णन है और सुंदर पलों को खोने का डर जो हम सब महसूस कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं उससे, और उन सपनों को समेटने का प्रयास. सो खोने का डर भी है और समेटने का प्रयास भी है. सो आई थिंक इसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ बनी हैं. तो ये हैं, जीवन के ये दो पल मेरे, सुबह हुए या रात हुए, सुंदर इतने हैं लगता है डर, कहीं खो ना दूँ इनको मैं, वो मेरे पास रहें यही मानना चाहता हूँ, जीवन के ये दो पल मेरे. पर आया एक समय का धक्का ऐसा, उजड़ गए वे सपने सारे, जो देखे थे उनके साथ जीवन के ये दो पल मेरे. सपने आकर जाते हैं चले, पर रह जाती हैं उनकी यादें, कर कर याद उन्हें मैं रो लूं, पर हुए हैं पास मेरे न आने. जीवन के ये
सब पल मेरे, अब बस जीता हूँ यार उन्हें करते करते, हो सकता है कि मिल जाएं चलते चलते, जीवन के ये सब पल मेरे, जीवन के ये सब पल मेरे। My name is Ashok Sharma. It's very hard to follow after your better half. So, but you know, situation has put me in that condition, so I'll try. And I think I'm the other bookend. It was started in a very nice manner, and I think I'm the last one. It's so going to finish in a nicer manner, so that. So I'll try my best. And what I've been given this kavita. Tune meri कविता के भाव जगा दिए, पेज 86, और पुस्तक का शीर्ष जो टाइटल है, बैठ प्यार के पंखों पर। तो जब सत्येन भाई साहब से बात हुई शिकागो से, तो मैंने सोचा है जो तूने मेरी कविता के भाव जगा दिए, इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर दूँ, तेरी कविता ने मेरे भाव जगा दिए, तेरी कविता ने मेरे भाव जगा दिए, बैठा था शिकागो में, बैठ प्यार के पंखों पर, आ गया तेरे पास। अरे वाह, कविता ने तेरी मेरे भाव जगा दिए, बैठा था शिकागो में, बैठ प्यार के पंखों पर, पास तेरे में आ गया। तो कविता है ये 86 पेज पर। इसमें इन्होंने जितने भी भाव हैं रोमांटिसिज्म में, उनको रैप किया है, उनको लिस्ट किया है एंड देन रैप किया है। तो उस हिसाब से छायावाद या रोमांटिसिज्म में इट काइंड ऑफ फिट्स इन वेल एज द इनिशियल स्पीकर सेड। सो तूने मेरी कविता के भाव जगा दिए, तूने मेरी कविता के भाव जगा दिए। रहा था माय एज इज शोइंग, रहा था न मैं अब पहले जैसा, तूने मेरी कविता के भाव जगा दिए। कितनी की कविताएं मैंने मिला था जब तुमसे मैं, लगता है जैसे ठहर गया हूँ समय के दामन को पकड़े, लगता है जैसे ठहर गया हूँ समय के दामन को पकड़े, तूने मेरी कविता के भाव जगा दिए। भाव तो हैं इतने सारे, कुछ खुशियों के कुछ दर्द भरे, कुछ दर्द के बाद यादों के, कुछ डरने के कि कहीं खो ना दूँ तुमको मैं, कुछ डरने के कि कहीं खो ना दूँ तुमको मैं, तूने कविता के सब भाव जगा दिए। तूने मेरी कविता के सब भाव जगा दिए, तूने मेरी कविता के सब भाव जगा दिए। ब्यूटिफुली रिटन, रैप्स अप ऑल द पेन, the anxiety, the fear that a lover, and as we all feel, because we are initially, basically we are all lovers of life, and when you love life, the fears that we have in going through life, they have been wrapped up in this. So even though it's a poem of love, it's a poem of our lives as we face from the day we are born to the bookend that comes at the very end. This is what is done there. The next assignment is वह खूबसूरती ही क्या कि जिसकी कोई कहानी ना हो। This is page number is 89. इसके अंदर एक टाइमलाइन सी डेवलप की गई है इवेंट्स की, और उस टाइमलाइन पे
अगेन पैसेज ऑफ लाइफ, पैसेज ऑफ लव, वो बताया गया. जब हम बच्चे थे तो कहते थे कि जब खंडहर ही इतना अच्छा है तो इमारत कितनी बुलंद हो. तो उस चीज़ के हिसाब से इसने इमारत को और खंडहर को एक कवि ने रैप अप किया है, एक तरह का डेवलपमेंट किया है. तो वह खूबसूरती ही क्या जिसको कोई कहानी ना हो. एवरीथिंग हैज़ अ पास्ट, एवरीथिंग हैज़ अ टाइमलाइन एंड दैट हैज़ बीन डेवलप्ड इन दिस. सो वी स्टार्ट, प्रारंभ करते हैं. वह खूबसूरती ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो. वह खूबसूरती ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो. वह खूबसूरती ही क्या जिसका कोई खंडर ही ना हो. इन बज़्मों में जहां अकेला होता था, अब साथ मेरे तुम होती हो. इन बज़्मों में जहां अकेला होता था, अब साथ मेरे तुम होती हो. लगता है अब ऐसा कि मानो मैं समय के चलता हूँ. लगता है अब ऐसा कि मानो मैं साथ समय के चलता हूँ, और समय साथ है मेरे चलता, और समय साथ है मेरे चलता. अब हम साथ चलेंगे इतनी दूर, अब हम साथ चलेंगे इतनी दूर कि राह के सब संकट टल जाएंगे. इसीलिए तो आओ अब हम, इसीलिए तो आओ अब हम, दौड़ लगा ले साथ समय के, दौड़ लगा ले साथ समय के. हंसी हंसी में कट जाएगा ये लंबा पथ, और कभी कभी के काले बादल. हंसी हंसी में कट जाएगा ये लंबा पथ, और कभी कभी के काले बादल. बस फिर रह जाएंगे हम दोनों, बस फिर हम फिर रह जाएंगे हम दोनों, साथ समय के चलते चलते. समय सुनहरा हो जाएगा, समय सुनहरा हो जाएगा, समय सुनहरा हो जाएगा. मेरा जीवन एक सुनहरा सपना होगा. इस सुंदर सपने में रह जाएंगे हम दोनों, इस सुंदर सपने में रह जाएंगे हम दोनों, तो ऐसा लगेगा हो जैसे खंडर किसी ऊंची मंजिल का. फिर मेरा जीवन एक सुनहरा सपना था, सुनहरा सपना था. सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच. एज वी गो टू इंडिया एवरी ईयर इन द विंटर्स, दे आल्सो कम देयर, एंड सो वी ऑल हैव अ गुड टाइम टुगेदर इन इंडिया. No, they come to Jaipur. He has a house in Jaipur too. His mom stays there. And we go to Sambar together. Yeah. Their house is just next door. In Jaipur or Sambar? Sambar. Oh, wow. Sambar, mera siya raja hai, we can go. Stand up. Satyan ko bolo. Thank you. Last public. Meena. Okay, now we're going to break up for dinner, and after that, Rais Khan is going to take over, and whoever else wants to sing. So, after dinner, we'll all assemble here, and Rais Khan is going to entertain us. Yeah, I think whatever we want.